फेयर सरबजीत जी, आपको इतनी अचानक से ये सब नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट मुझे कुछ दिन का टाइम तो देना चाहिए था, ऐसे अचानक से परम से दूर जाना। मैंने जानबूझ के अचानक से ये प्रोग्राम बनाया था मैजिक, परम को ध्यान में रखे, ताकि हम आज दिन भर परम को स्कूल और बाकी चीजों में बिजी रखे, ताकि वो रात को जल्दी आके सो जाए। बस फिर कल उसे हरलिंदी संभाल लेंगी, उसे कह देंगी कि हम लोग कहीं गए हैं किसी से मिलने के लिए, और फिर रात को भी अगर वो रोएगा तो उसे बहला पुछला के संभाल लेंगी, और उसके बाद भी फिर वो फिर क्या सरबजीत जी, आपको क्या लगता है परम के लिए बहुत आसान होने वाला है? आपके पास कोई बेटर सोल्यूशन है तो बता दीजिए। नहीं नहीं बोलिए, मैं परम को जाके बता देता हूँ कि परम पुत्र हम लोग जा रहे हैं, आप यही रहो। हाँ बता दूं उसे। सरबजीत जी, अगर हम परम को अपने साथ ले जाए तो? What? हाँ, I mean, उसकी भी आउटिंग हो जाएगी। आप पैदा होते ही फर्श पे गिर गई थी क्या? स्क्रू ढीला आपका। पिकनिक करने नहीं जा रहे हैं वहां पर हम। अच्छा मेहर, मैं तेरे कार फोन कर देता है, वो सारे तुहानु दोनों नु मिलन आ रहे। लेकिन और हाँ मेहर, तेरी पैकिंग मैं करांगी, क्योंकि अगर परम ने तेनु पैकिंग करते देख लिया ना तो उन्हें सारा कर सिर ते चुक लेना।